आशीष पटेल नहीं मिलने दे रहे आगे आओ ना सामने आओ सामने सर आए हैं वहाँ से बहुत दूर से अब मुलाकात करने नहीं दे रहे जो कि आज राखी का टाइम है 5 बजे तक तो खुला रहता रहा तो ऐसा क्यों हो रहा है? कितने बजे आई हैं आप लोग हमें तो सवेरे 8 बजे की आए हैं तो फिर पर्ची नहीं मिली आप लोगों को नहीं सर पर्ची नहीं मिली क्यों अब यहाँ से नहीं उस तरफ से आओ उस तरफ से नहीं इस तरफ से आओ यही लगा रह गया कितनी लेडीज है अभी वापस चली गई सर किससे मिलने आए थे आप हम अपने भाई से मिलने आए थे महावीर शर्मा से जी अच्छा कहाँ की रहने वाली हैं आप हम तो सर सब कटनी के हैं अभी यहाँ से आदिवरी पटपरा से जी अच्छा करेला के आगे से तो यहाँ क्या प्रॉब्लम हो रही है यहाँ सर मिलने नहीं दे रहे भाइयों को राखी नहीं बांधने दे रहे सर क्यों नहीं मिलने दे रहे कोई अधिकारियों से बात की क्या सर अधिकारी तो वो आके चले गए अब जो उनको ऑर्डर दिया वो जाने सर तो ऐसा थोड़ा नहीं कानून ये नहीं कहता कि भाई बहन को राखी न बांधने दे क्या नाम आपका हमारा नाम शकुंतला है सर पैसे देगा उसके आप मुलाकात करवा दोगे जो पैसे नहीं देगा गरीब इंसान तो वो क्या करेगा है? एक ऐसा रिश्ता है कि 5:30 बजे तक राखी बांधने का आदेश है यहाँ पे मगर हम लोग को मान लो हम लोग तो यहाँ के तो कल भी आ जाएंगे जो ये भोपाल से आए गांव से आए मंडला से आए जो गरीब है वो उनको तक नहीं वो करा जा रहा है तो बताइए कैसे वो होगा कौन पैसा मांग रहे थे पैसे अब ये हमें तो पैसे अभी हमसे तो कोई नहीं मांगा हमसे मांगता तो हम तो उनको जवाब देते यानी इनका अंदाजा यहीं से शुरू हो रहा है जी अच्छा अंदाजा तो इनका यहीं से हो रहा है जहाँ जेब गर्म हो जाएगी उनकी पर्ची जल्दी बन जाती वो मुलाकात करके आ जाते हम लोग को दरवाजे से ढोसा जा रहा लेडीजों को ये वर्दी पहने तो इनकी इज्जत है हम लोग की कोई इज्जत नहीं है लेडीजों की यानी मतलब यानी ये बर्ताव चला जा रहा मात शक्तियों के साथ और कहते नेतागिरी कर रहे हो क्या नाम है आपका मेरा नाम शकुंतला चौधरी कहाँ की रहने वाली मैं तो रांची की हूँ चली गई हाँ बताइए कहाँ से आए मंडला से आए हैं अपने भाई से मिलने जी अच्छा क्या कौन है भाई आपके क्या नाम है लक्ष्मी चौधरी अच्छा क्या हो गया था उसको है तो सजा पड़ी रही हाँ। जी अच्छा तो कितने बजे से आई हैं आप लोग हम सुबह थी आए 8-9 बजे की तो 9 बजे 8 बजे से आई अभी तक मिल नहीं पाए क्यों मिल पाए क्यों पर्ची तो नहीं मिल रही क्यों बात देते हैं अभी बनाएंगे फिर बनाएंगे एक बज गए टाइम हो गई अभी हाथ इमदारी पर्ची जी अच्छा सर पर्ची अर्ची सब मंडला से गाड़ी करके आए हैं सर 4,000 की अच्छा अपने भाई से मिलने 4 बहन है कुछ पैसे की मांग की जा रही थी हमारे सामने पैसा वाली बात नहीं है बड़े बड़े लोग जो आते हैं उनकी पर्ची काटे और अंदर घुसे और उनको मुलाकात करा देती हूँ और हम देखते रहते हैं अच्छा आपका नाम क्या है सुशीला भाई आती हूँ कि भाइयों से मुलाकात कर लें दो दीजिए बांध लें दीजिए फिर सब लेडीज अपने अपने घर चली जाएंगी मेरा भाई अंदर है उसका नाम महावीर शर्मा है उसके पिता का नाम द्वारका शर्मा है मेरा नाम शकुंतला भी है आशा दुबे भी है दो नाम मेरे चलते हैं सर कहाँ से आए हैं आप हम आए हैं दिवरी पटपरा से बरेला के आंगे से जी हम इतना ही चाहते हैं सर कि हमारे भाइयों से राखी बांध लें दीजिए कितने बजे से आई हैं आप हम तो सर यहाँ आ गए हैं 12 बजे के तो क्यों नहीं मिल पा रहे हैं सर बस यहाँ से वहाँ कर रहे हैं हो गया मुलाकात जाओ भागो अधिकारियों से मिलने की कोशिश की क्या नहीं सर अधिकारियों से तो कोई बात ही जब अंदर ही नहीं जाने को मिला अधिकारी से कहा है यही पुलिस वाले हैं जो तो यही भगा रहे हैं कि जाओ अपना कहते कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा तुम लोग कुछ भी कर लो नेतागिरी कुछ नहीं होने वाला नहीं होगा तुम लोग चिल्लाते रहो जनता की सेवा ही करने तो आए हो ये तो भीख मांग के खा ले कटोरे लेके अब तो हर चीज बंद कर दी करने दे रहे यहाँ पे हर साल का राखी बंद किया जाए बिल्कुल किसी को भी राखी का आदेश न दिया जाए जेल बंद कर दिया जाए नहीं अमीर के लिए जाने का रास्ता है गरीब के लिए जाने का रास्ता नहीं है और ये वर्दी इनको मिल गई तो ये बहुत बड़े सहसा बन गए वो भी तो एक जेल साहब थे वो भी तो एक
बनवाए जो पहले लोग आए थे, मिलने देते थे जो पुराने आदमी हैं।